इसलिए हमारे देश का ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी जैसी शुरुआत होती है आप जो रिज़ल्ट के टाइम जो फील करते हैं, आप जीवन भर आपका वही अनुभव रहता है। तो आपको मौका मिलता है ग्रास रूट लेवल पर काम करने का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आम आदमी को हेल्प करना है, उस गरीब को, उस व्यक्ति को जिसको न्याय चाहिए और आप फर्स्ट रेस्पोंडेंट हैं, तो वहाँ आप अपने पार्ट का काम अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करते हैं, क्योंकि आप सिस्टम में आप अकेली सीढ़ी नहीं हैं, लेकिन आप अगर अपने लेवल का कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सही कर दिया है। फिर आगे सीढ़ी दर आगे काम होते रहते हैं। तो वो जो एक फीलिंग थी कि आपके पास कोई आए और आप अपने लेवल पर उसको सेटिस्फाई, उसका काम अगर जेन्युइन है आप करके भेज रहे हैं, और जिस सपने के लिए, जिस बात के लिए हम सर्विस में आए थे वो यही था, और यह करके आज मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट फील करती हूँ। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि मैं ये कर पाई अपने नौकरी के दौरान। दोस्तों, UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत लंबा है, काफ़ी समय लेता है, लेकिन निश्चित एग्ज़ाम है। हमारे देश का एक एग्ज़ाम ऐसा है जो नियत तिथि को होता है, उसी महीने में होता है, उसी टाइम पीरियड में होता है। तो इस एग्ज़ाम को बहुत सारे देश के विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने का सपना लिए रहते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत बच्चों को परेशान भी करता है, हतोत्साहित भी करता है, डिप्रेशन में भी लाता है। क्योंकि मैं इस जर्नी से निकली हूँ, मैंने ये यात्रा की है, इसलिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब ये निश्चय कर लें कि आपको ये एग्ज़ाम करना है, तभी ये जर्नी शुरू करें। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, अगर आपने निश्चय कर लिया है आपको करना है और आप इस जर्नी पे चल पड़े हैं, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट, विश्वास, उनके जो भावना है, उनका जो आशीर्वाद है, उसको अपने साथ लेकर चलें। थर्ड स्टेज, आपको जो इस फील्ड में गाइड कर सकते हैं इस यात्रा में, उन गाइड करने वाले लोगों को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें, चाहे वो आपके गुरुजन हैं, चाहे आपके आसपास के कोई और बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको जो भी XYZ जो समझ में आते हैं, जिस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और अपने आप को, अपने आप के साथ ये वादा करें कि मैं अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। मैं ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद भी मैं अपने आप से ये कहने लायक हूँ कि मैंने अपना 100% दिया। सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए और भी अच्छा कुछ सोचा हुआ होगा। एक प्लान बी हमेशा अपने हाथ में रख के चलिए। जब आप UPSC करते हैं तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी अच्छा करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो आपका प्लान बी आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। वो प्लान भी आपका इसी प्लान ए के बराबर का प्लान होना चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ वो मेरा मेरे हाथ में है। तो आप इस जर्नी को शुरू करें, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जर्नी है, लेकिन डेडिकेशन मांगती है, समर्पण मांगती है और आपका निश्चय मांगती है। निश्चय के साथ करें, ज़रूर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे।